हरिओम। गुजरात के समाचार। 1 सितंबर को गांधीनगर कोर्ट में बचाव पक्ष को सबूत पेश करने के लिए समय दिया गया था। पिछली तारीख 26 अगस्त की थी। इससे पहले कोर्ट में पूज्य श्री के बयान दर्ज किए गए थे तथा अन्य 7 लोगों के भी बयान दर्ज किए जाएंगे जिनको इस केस में सह आरोपी बनाया गया है। पूज्य श्री ने कोर्ट में अपने बयान दर्ज कराते वक्त कहा कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और ये षड्यंत्र उन लोगों ने रचा है जिनको आज से 12 साल पहले आश्रम से निकाल दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें, इस केस में शीघ्र सुनवाई कर फैसला सुनाने का आदेश है। न्यायिक प्रक्रिया को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस वर्ष के अंत तक इस केस में भी फैसला सुना दिया जाएगा। धन्यवाद। हरिओम।